जम्मू कश्मीर से धारा 370 हमेशा के लिए खत्म हुई। संसद के दोनों सदनों से संकल्प पत्र पर लगी मुहर। लोकसभा से भी पास हुआ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल। पक्ष में पड़े 370 वोट, विरोध में 70। अब दो हिस्सों में बढ़ जाएगा जम्मू कश्मीर, अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख। सरकार ने वापस लिया जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल। गृह मंत्री अमित शाह बोले 370 हटते ही अपने आप लागू होगा रिजर्वेशन। बिल पास होने के बाद बीजेपी गदगद। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे को दी बधाई। जम्मू कश्मीर पर लोकसभा से बिल पास होते ही देश भर में जश्न। अहमदाबाद में बीजेपी दफ्तर में जमकर मनी खुशियां। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की दो डूब। बोले हुर्रिया से बात नहीं करेगी सरकार, लेकिन कश्मीर के लोगों को दिल से लगाएगा देश। लेते हैं उनसे चर्चा करें, हम हुर्रियत के साथ चर्चा करना नहीं चाहते। अब अगर घाटी के लोगों के मन में अगर कोई शंका है, घाटी के लोग हमारे हैं, हम सीने से लगाएंगे उनको, प्यार से रखेंगे, पूरा हिंदुस्तान उनको प्यार से रखेगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा सेनाओं को छूट देते जवाहरलाल नेहरू तो पूरे भारत का हिस्सा होता पीओके। लोकसभा में दिनभर धारा 370 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा। कांग्रेस ने संयुक्त राष्ट्र के दखल पर उठाए सवाल। मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो का इंटरनल मामला है। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो का इंटरनल मामला था, ये बायलैटरल का जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है। अधीर रंजन चौधरी के सवाल पर गृह मंत्री आग बबूला। बोले कश्मीर पर स्टैंड साफ करे कांग्रेस। साहब इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर लोकसभा में असहज दिखी सोनिया गांधी। सूत्रों के अनुसार यूपीए चेयरपर्सन सोनिया ने जताई नाराजगी। कांग्रेस ने पीओके को लेकर भी उठाया सवाल। कहा क्यों नहीं चर्चा कर रही है सरकार। कांग्रेस के सवाल पर सरकार का पलटवार। कहा कश्मीर का मतलब पीओके और अक्साई चिन्ह भी। कि जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चिन्ह दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। कांग्रेस ने सरकार के कदम को बताया गैर संवैधानिक। राज्य में विधानसभा की गैर मौजूदगी में फैसले पर उठाए सवाल। शायद ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि किसी प्रदेश को केंद्र शासित राज्य में बदल दिया जाए, और इससे और संघीय ढांचे के ऊपर इससे बड़ा आघात हो नहीं सकता। कांग्रेस के मनीष तिवारी के आरोप का गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। बोले संविधान के तहत लिया है हमने फैसला। कांग्रेस के सारे आरोपों को सरकार। गृह मंत्री अमित शाह बोले कश्मीर के लिए हम जान भी दे देंगे। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए कि जम्मू एंड कश्मीर। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। कहा इसराइल की तरह लोगों को इम्प्लांट करेगी अब सरकार। समाजवादी पार्टी ने किया सरकार के कदम का विरोध, लेकिन वोटिंग के दौरान लोकसभा से कर दिया वॉकआउट। तो माननीय गवर्नर साहब ने वही फैसला लिया जो फैसला आप चाहते थे, वो कॉन्शियस असेंबली का फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से नीचे गया है। लोकसभा में उठा कश्मीर के नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा। टीएमसी ने की फौरन रिहाई की मांग। कश्मीरी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के आरोप को गृह मंत्री ने किया खारिज। बोले अमित शाह किसी को हमने नहीं किया गिरफ्तार। कि फारूक अब्दुल्ला साहब को ना डिटेन किया गया है ना अरेस्ट किया गया है, वो अपनी मर्जी से अपने घर में है और तबीयत खराब है, तो सिविल अस्पताल के डॉक्टर जाकर उनको अस्पताल भी ले जाएंगे। सदन चिंता न करे। लोकसभा में बवाल के बीच अपने घर की बालकनी में नजर आए फारूक अब्दुल्ला। सरकार के फैसले को बताया अलोकतांत्रिक। होम मिनिस्ट्री इज लाइंग इन द पार्लियामेंट दैट आई एम नॉट हाउस अरेस्टेड।
that I am sitting in the house inside of my own will. You think I will stay inside my house of my own will? फारूख अब्दुल्ला का इमोशनल कार्ड, कहा मेरी जान लेना चाहती है सरकार। गृह मंत्री अमित शाह की सफाई, अपनी मर्जी से अपने घर के अंदर हैं फारूख अब्दुल्ला। लोकसभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लेकर कोहराम, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप 370 लागू करने में था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हाथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान को सरकार ने किया पूरी तरह से खारिज, गृह मंत्री अमित शाह ने मांगे सबूत। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल का किया विरोध, लोकसभा से किया नीतीश की पार्टी ने वॉकआउट। कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबंद, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, लोगों को घर में रहने के दिए गए हैं निर्देश। धारा 370 हटाने को लेकर कांग्रेस में घमासान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनार्दन द्विवेदी समेत कई नेताओं ने किया है इसका समर्थन। दिल्ली में चल रही है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, धारा 370 को लेकर हो सकता है प्रस्ताव पास। अनुच्छेद 370 हटाने का जश्न जारी, सूरत में छात्रों ने बनाई ह्यूमन चेन। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मनाया जश्न, अनुच्छेद 370 को खत्म करने को बताया समय की जरूरत। कश्मीर पर बुलबुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, मामले को यूएन में ले जाने की दी धमकी। रूस ने कश्मीर पर फैसले को बताया भारत का अंदरूनी मामला, यूएई ने भी हिंदुस्तान का दिया साथ। तमिल संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी, चेन्नई में विरोध प्रदर्शन। राम मंदिर पर सुनवाई रोज का श्री गणेश, पहले दिन निर्मोही अखाड़े ने विवादित परिसर पर ठोक दिया अपना दावा। असम में जारी है एनआरसी का विरोध, गुवाहाटी में बीजेपी सरकार के खिलाफ लेफ्ट का प्रदर्शन। खट्टर सरकार को हरियाणा के किसानों का अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी गई तो 14 अगस्त को पंजाब जाने वाली सभी गाड़ियों को रोकने की दी धमकी। उन्नाव कांड में घायल वकील को भी दिल्ली लाया गया, लखनऊ से उसे किया गया शिफ्ट, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है अब इलाज। कोलकाता में ऑटो यूनियंस के विवाद में जोरदार झड़प, बमबाजी के बाद छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। दिल्ली में दो बांग्लादेशी गिरफ्तार, लूटपाट और डकैती के कई मामलों में पुलिस को थी इन दोनों की तलाश। दिल्ली के शिकरपुर में दिन दहाड़े दुकान में लूट, पिस्टल के बल पर बुजुर्ग महिला को बनाया बंधक। दिल्ली के बवाना में युवक का शव मिलने से सनसनी, चेहरे और सर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका। दिल्ली के जाकिर नगर में रिहायशी इमारत में भीषण आग, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। सीतापुर में बीच सड़क धू कर जली कार, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हरियाणा के रोहतक में कार में मिला कारोबारी का शव, पुलिस को आत्महत्या का शक। ग्रेटर नोएडा में 2 मंजिला इमारत गिरने से 2 बच्चों की मौत, करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। अलीगढ़ में महिला की गोली मारकर हत्या, बेटे पर लगा हत्या का आरोप, मौके से बेटा हुआ फरार। कानपुर में ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर, मौके पर ही मां और बेटे की मौत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्कूली बस और स्कूली वैन की टक्कर, 1 छात्रा की मौत, 2 घायल। दिल्ली में बारिश बनी मुसीबत, कई कॉलोनियों में पानी भरने से सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा। दिल्ली में कुछ ही घंटे की बारिश के बाद अंडरपास में भर गया पानी, गाड़ियां फंसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बारिश का कहर, सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में ट्रैफिक पर लगा ब्रेक। गुरुग्राम में बारिश के बाद पानी भरा हाहाकार, पानी में डूबी सड़कें, तैरती दिखी गाड़ियां। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश ने बढ़ा दी परेशानी, घरों में घुसा पानी। कर्नाटक के करवार जिले में बाढ़ जैसी स्थिति, भारी बारिश से जनजीवन पर बुरा असर। कर्नाटक के बेगलावी में भारी बारिश के बाद बाढ़, पहाड़ी नदियों में जबरदस्त तूफान। ओडिशा के 13 जिलों में भारी बारिश, कई गांवों से टूटा संपर्क, राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है प्रशासन। मौसम विभाग ने ओडिशा में जारी की भारी बारिश की चेतावनी, 48 घंटे तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हाईवे तक पहुंचा बरसाती पानी, मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमें, रोका गया ट्रैफिक। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, 100 से ज्यादा लोगों को बचाया। औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी में उफान, सैकड़ों गांवों में घुसा पानी। वाराणसी में बढ़ा गंगा का स्तर, छोटी नावों को नदी में एंट्री की मनाही।
बाराबंकी में खतरे के निशान के ऊपर पहुंची घगरा नदी, तराई वाले इलाकों में गांव में भर गया बाढ़ का पानी। उत्तराखंड के बागेश्वर में बादल फटा, पानी में बह गए 3 से ज्यादा घर, मलबे में फंसी हैं गाड़ियां। आधे घंटे की बारिश से हिमाचल का ऊना शहर परेशान, अदालत परिसर मिनी सचिवालय तक में पानी। बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन, 2 दिनों से आवाजाही है बंद। बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के पास टूरिस्ट बस पर गिर गया बोल्डर, 1 की मौत, 5 श्रद्धालु हुए घायल। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर पोलार्ड पर लगा जुर्माना, भारत के खिलाफ दूसरी T20 मैच में अंपायर की बात न मानने की वजह से एक्शन। पूर्व फिरकी गेंदबाज सुनील जोशी ने टीम इंडिया के बोलिंग कोच के लिए दिया आवेदन, बांग्लादेश टीम के गेंदबाजी कोच रह चुके हैं सुनील। बंटवारा होने के बावजूद जम्मू कश्मीर का ही प्रतिनिधित्व करेंगे लद्दाख के क्रिकेटर्स, हालांकि रणजी टीम में अब तक किसी को नहीं मिली है कोई जगह। बर्मिंगम टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जमाकर स्मिथ ने जीता कोच का दिल, जस्टिन लैंगर ने विराट से भी ऊपर माना। वाराणसी में गदा प्रतियोगिता का आयोजन, महिला पहलवानों ने की जोर आजमाइश। 277 पॉइंट्स बढ़कर 36,976 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 85 पॉइंट्स बढ़कर 10,948 पर बंद। 163 रुपए की गिरावट के साथ 36,807 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी 80 रुपए की गिरावट के साथ 43,020 रुपए प्रति किलो। बुधवार को कर्ज नीति का ऐलान करेगा आरबीआई, आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी, चौथे रेट में 0.25% कटौती का अनुमान। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बनाया जाएगा एक और रनवे, क्रॉस टैक्सी वे से जोड़ दिए जाएंगे टर्मिनल। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में बड़े निवेश की तैयारी, डालमिया भारत ग्रुप के पुनीत डालमिया ने किया 5 साल में रोजगार बढ़ने का दावा। 2008 से अब तक रियल एस्टेट में आई $53 अरब की पूंजी, कॉलियर्स इंटरनेशनल रिपोर्ट में किया गया दावा। 7 से 10 अगस्त तक ग्रेटर नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का दूसरा एडिशन, देश दुनिया के दिग्गजों का होगा जमावड़ा। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए मुश्किल होगा ग्राहकों से फ्रॉड और मनमानी करना, नई गाइडलाइंस का ड्राफ्ट हुआ तैयार। फ्लिपकार्ट भी लाएगी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप पर, फ्री में मुहैया करवाई जाएगी आपको सर्विस। ह्युंडई ने लॉन्च किया क्रेटा का स्पोर्ट्स वर्जन, नई 20 फीचर्स से लैस एसयूवी की शुरुआत, कीमत होगी लगभग 13 लाख रुपए। चीन और अमेरिका के बीच और बड़ा कारोबारी तनाव, चीन की कंपनियों ने बंद की खेती से जुड़े अमेरिकी औजारों की खरीद। हांगकांग में जारी है विरोध प्रदर्शन, लोगों ने थाने में लगाई आग, आगजनी के बाद जमकर कोहराम। हांगकांग में प्रदर्शन के दौरान 2 गुटों में टकराव, दोनों तरफ से जमकर चले डंडे लाठियां। उत्तर कोरिया को अमेरिका ने एक्सक्लूशन लिस्ट से किया शुमार, टूरिस्ट बनकर किम के देश में गए तो नहीं होगा वीजा फ्री आपके लिए एंट्री आना जाना। पिछले 2 हफ्तों में उत्तर कोरिया ने 4थी बार किया मिसाइल परीक्षण, दक्षिण कोरिया अमेरिका के संयुक्त युद्ध अभ्यास पर नाराज। रूस के मॉस्को में सैन्य खेलों का आयोजन, चीन सीरिया ईरान समेत 25 देशों के टैंक्स ने हिस्सा लिया। टेक्सास में पुलिस ने जारी की हमलावर की तस्वीर, शनिवार को मॉल के बाहर हुई थी अंधाधुंध फायरिंग। 22 पर पहुंचा टेक्सास फायरिंग में मरने वालों का आंकड़ा, अस्पताल में भर्ती 2 घायलों की हुई मौत। स्पेन के वालेंसिया में ब्रिटिश एयरवेज के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, केबिन में धुआं भरने की वजह से पायलट ने लिया फासला। सामने आई कैरो के अस्पताल में भीषण आग की तस्वीर, कल 30 लोगों की मौत हुई थी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।